सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू राजेंद्र। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपके लेकर आया हूँ एक मैनिपुलेशन फोटो एडिटिंग। बहुत दिन से आप बोल रहे थे कि फोटो एडिटिंग लेकर आओ, तो गाइस देखो एकदम झकास फोटो एडिटिंग लेकर आए हैं, तो सपोर्ट दिखाना जरा, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना। और इस वीडियो में जितने स्टॉक यूज है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पे इजिली डाउनलोड कर सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके हमें बताओ कि क्या दिक्कत हो रही है, तो मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा आपको। सो गाइस, अगर आप चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट फॉर इट। सो गाइस, सबसे पहले आपको ये वाली बैकग्राउंड मिल जाएगी, आपने इसको सबसे पहले ऐड करना, ठीक है, पिक्सार्ट में। और यहाँ पे रिसाइज पे जाना, और यहाँ पे देखो ये मैक्सिमम रिसाइज है। फिर देखो आप क्या करना है, आपको सिंपल से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे आपको एक पीएनजी मिलेगी, जो गिटार पीछे लगा हुआ है बैकग्राउंड में उसी की पीएनजी मिलेगी, जो गाइस एकदम इसको फिक्स कर देगी। जैसे यहाँ पे देखो, इसको फुल बैकग्राउंड पे करेंगे तो ये एकदम इक्वल में एकदम आपको फिक्स करके दे देगी, एकदम ऐसा लगेगा कि ये एकदम पहले से ही लगा हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एजेस यहाँ पे हमारा छूट गया, तो उसको हम इरेज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड रेडी हो गया है। तो सिंपल से अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको डन कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद से अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है ड्रॉ टूल में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ हमें ड्रॉ टूल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आने के बाद से देखो अब आपको क्या करना है, ऐड ऑब्जेक्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है आपने उस पर जाना, और यहाँ से जो आपकी कटआउट है उसको ऐड करना है। कटआउट कैसे बनाना है एचडी में, मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखी, आप जाके एक बार देखो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, अब इसको ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर लेके जाएंगे, और यहाँ पे जो इसका हैंड है उसको हम क्या करेंगे, गिटार पर ही रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ इसी का मैं ऊपर रखते हैं। और देखो आप ऐसा नहीं कि इस टाइप से ही पोज लेना, आप किसी टाइप का भी पोज ले सकते हो। और ये भी जरूरी है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि ग्रास में लो तो एकदम आपका परफेक्टली बैकग्राउंड पे सेट हो जाएगा। और यहाँ पे आप इस पर बैठ कर भी ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद से देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें थोड़ी रिम लाइट बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस ब्रश को सेलेक्ट करेंगे, इरेजर ब्रश को, हार्डनेस को 1% रखेंगे, ओपेसिटी 50%। और यहाँ पे देखो हम यहाँ पे नीचे के साइड हल्के हल्के करके इरेज करेंगे, ताकि जो हमारा पहले से ग्रास था वो इस वाले ग्रास में मर्ज हो जाए। यहाँ पे देखो इरेज करने से हमारा मर्ज हो गया, थोड़ी सी ओपेसिटी और कम करते हैं और फिर यहाँ पे हम इरेज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इरेज करोगे तो जो आपका मॉडल है वो ग्रास में एकदम मर्ज हो जाएगा, ठीक है। और जो आपकी फोटो है अगर विदाउट ग्रास वाली है, तो उसके लिए मैं आपको एक शैडो की पीएनजी दे दूंगा, जिसका यूज़ करके आप यहाँ पे अपने मॉडल को सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एम्प्टी लेयर बनानी है और एक मॉडल की लेयर को कॉपी कर लेनी है। अभी देखो, अभी आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो एम्प्टी लेयर है वहाँ पे आपको वाइट कलर फिल करना है। तो वो कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको फिल नहीं होगा, आपको लेयर वाले ऑप्शन पे नीचे देखो एक डक का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देखो ब्लेंडिंग के ऑप्शन में है, ब्लेंडिंग के साइड में सॉरी। तो उस पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पे वाइट कलर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे टिक कर लेना है। तो देखो यहाँ पे बैकग्राउंड एक वाइट कलर का आ जाएगा। फिर क्या करना है, जो आपका मॉडल का लेयर है उसको एक्सवार कर देना है, ठीक है, उसका ब्लेंडिंग एक्सवार करना है। और जो यहाँ पे एक वाइट लेयर है उस लेयर की एक और कॉपी कर लेनी है आपने, उसको नीचे ला देना है। अब जो आपने मॉडल के लेयर को एक्सवार किया है उसको मर्ज कर देना है वाइट के साथ। फिर जो रिजल्ट आया है उसको एक्सवार करना है और फिर इसको मर्ज कर देना है। तो ये एक वाइट कलर का यहाँ पे आपका मॉडल रेडी हो जाएगा। इसको क्या करना है, अपने मेन मॉडल के नीचे कर देना है। फिर क्या करना है, इसका ब्लेंडिंग मोड आपने चेंज करके ओवरले कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है, यहाँ पे पहले आप जूम कर लो। अब पूछते हो ना कि आप रिम लाइट कैसे बनाते हो, देखो बहुत ईजी स्टेप है। यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म पे ले जाना और यहाँ पे इसको हल्का सा एकदम राइट साइड की तरफ लेकर आना है, जिस तरफ से लाइट आ रही है आपने उस साइड की तरफ इसको थोड़ा सा निकाल लेना है। जैसे देखो यहाँ पे एकदम हल्के से हमने निकाल लिया, अब यहाँ पे देखो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है। इसे क्रीम लाइट से आपकी जो फोटो है एकदम मस्त दिखने लगी है, ठीक है। और जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है, जैसे देखो यहाँ पे हमारे नीचे में ज़्यादा हो गया है और यहाँ पे हमारे हेयर में भी आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम इसको इरेज करते हैं, देखो ये वाला पार्ट, ठीक है। जिस साइड आपको नहीं चाहिए उधर से आपने इरेज करना है, जैसे देखो यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए ऊपर का साइड, नहीं तो फिर हेयर सही नहीं हो रहेंगे। तो यहाँ पे हम इसको फटाफट से इरेज करते हैं और ये हमारा सेट हो गया है, ठीक है। उसके बाद से देखो अब क्या करना है, यहाँ पे हमारा ड्रॉ टूल का काम अभी हो चुका है, सिंपल से इसको हम डिस्कार्ड करेंगे और यहाँ पे हमारी फ़ोटो आ जाएगी। अब देखो आपको क्या करना है, आपने चले जाना है ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे,
और यहाँ पे आपको एक और PNG मिलेगी, इसको भी जस्ट आपने इस तरह से सेट करना है। नीचे यहाँ पे देखो शैडो थोड़ी सी और बनाने की ज़रूरत है, उसके लिए क्या करना है, आपने ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे एक और PNG मिलेगी शैडो वाली। यही PNG का यूज़ करके आप अपने मॉडल को भी सेट कर सकते हो, तो यहाँ पे जस्ट इसके नीचे लगा देना है, ठीक है, और इसको मूव डाउन कर देना है, ठीक। फिर इसका एक डुप्लीकेट बनाना है, फिर इधर सेट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको भी सेट करते हैं। आपने ऐसा नहीं कि पूरा भर देना है, एकदम हल्का सा रखना है शैडो की तरह ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे देखो ये परफेक्टली हमारा हो गया है। देन सिंपल से हम इसको डन कर देंगे और यहाँ पे हम ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे एक लास्ट PNG बची है, ये वाली। आपने जस्ट इसको फुल बैकग्राउंड पे करना है और ये सेट होगी, देन इधर से इसको डन कर देना है। उसके बाद से ड्रॉ टूल में जाओ, यहाँ से करो फोटो को सेव और इसको इम्पोर्ट करना है अपने Lightroom एप्लीकेशन में। तो ये आ गई हमारी सेकेंड एप्लीकेशन Lightroom की। तो यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे देखो कंट्रास्ट को हम थोड़ा सा माइनस की तरफ रखते हैं, यहाँ पे हम इसको रखेंगे 10 ग्राउंड, ठीक। यहाँ पे थोड़ी सी हाईलाइट भी हमें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है क्योंकि बैकग्राउंड में देख सकते हो थोड़ा सा हाईलाइट कम है। शैडो को भी थोड़ा हम इंक्रीज़ करते हैं, ठीक, और वाइट इज एंड ब्लैक दोनों को हल्का हल्का करके माइनस कर देना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे आपने टेम्प को थोड़ा सा माइनस की तरफ रखो, ठीक। यहाँ पे टिंट को हम देखते हैं, यहाँ पे हम 6 रखते हैं और यहाँ पे वाइब्रेंस को हम 16 रखेंगे। फिर मिक्स वाले टूल पे जाएंगे, ऑरेंज कलर यहाँ पे 6, सेचुरेशन डाउन, लुमिनस इंक्रीज। अब देखो ग्रीन कलर की अगर आप ह्यू को माइनस करोगे तो ये आपका जो ग्रास है वो येलो कलर में हो जाए जो कि बैकग्राउंड से मैच करेगा। रखना है तो आप रख सकते हो अगर अच्छा लगता है आपको तो, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको नॉर्मल कर लेता हूँ, ठीक है, नॉर्मल इतना। बाकी अब इधर से आपने डन कर लेना है। यहाँ पे जो ब्लू कलर है इसको भी आप थोड़ा सा माइनस कर लें इसका ह्यू को, फिर डन करो। नेक्स्ट वाले टूल पर जाना है आपको, यहाँ पे आपने टेक्सचर को इंक्रीज़ कर लेना है। यहाँ पे क्लियरिटी को भी हल्का इंक्रीज कर लेते हैं, डिहेज को भी हल्का इंक्रीज करेंगे, थोड़ा सा विग्नेट को माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट वाले टूल पर हम जाएंगे, शार्पनिंग को इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर नॉइस रिडक्शन, ठीक है, और देन हमारा फोटो रेडी हो गया। तो इस तरह से आप इस फोटो को क्रिएट कर सकते हो।